इंद्रजीत महतो जी की पत्नी हैं, उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है वहाँ से, इसमें वो गंभीर रूप से कोरोना के शिकार। भाजपा ने उनकी पत्नी तारा देवी पर अपना भरोसा जताया है। स्थिति बिगड़ती गई तब सिकंदराबाद जसोदा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बालू की जैसे लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है, मैं विधानसभा तक ले जाऊं। भारतीय जनता पार्टी का 365 दिन कार्यक्रम रहता ही है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। एक महिला के लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब उसका पति विधायक बन जाए, लेकिन 2 साल के बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए और अगले 3 वर्षों तक बीमार ही रहे, आज भी बेड पर ही रहे। यह कहानी है इंद्रजीत महतो, जो सिंदरी के विधायक बने 2019 में। उनकी पत्नी ने उसके बाद उनकी सारी जिम्मेदारी को संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला, अपने पति को भी संभाला और क्षेत्र के मुद्दों को भी हमेशा उठाती रही। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपना एक बेटा भी खो दिया, लेकिन इसकी जानकारी इंद्रजीत महतो को आज तक नहीं है। आज हम उन्हीं का इंटरव्यू करने जा रहे हैं और आप भी उनका इंटरव्यू देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इंद्रजीत जी अभी चुनाव लड़ने में असक्षम हैं, तो भाजपा ने उनकी पत्नी तारा देवी पर अपना भरोसा जताया है। हम आज तारा देवी जी से ही सिंदरी विधानसभा को लेकर के कुछ बात करेंगे। जब इंद्रजीत जी नहीं थे तब कैसे पूरे विधानसभा को इन्होंने संभाला और भाजपा ने जो इन पर भरोसा जताया है उस भरोसे पर ये कितना कायम रहेंगे। तो नमस्कार तारा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि जो पिछला 3-4 साल बीता जिस तरीके से, वो कैसा बीता जब इंद्रजीत जी मान लीजिए बीमार पड़ गए और ये सारी चीज़ें, इसको कैसे आपने संभाला? आज माननीय विधायक जी 2021 अप्रैल माह महीने में वो कोरोना से ग्रसित हो गया और 3-4 दिन वो जलान हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई तब हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हैदराबाद सिकंदराबाद जसोदा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अच्छा। वो 40 दिन तक समझ लीजिए कि कोमा में ही थे, 40 दिन के बाद वो आँख खोले। अच्छा। और इस दौरान उनको ले जाते ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से घट चुकी थी, गिर चुका। आधी सांसें चल रही थी और आधी सांसें बंद थी। हम लोग सही समय पर वहाँ लेके गए तो वहाँ के डॉक्टर्स बोले ये तो मेरिकल है, कुछ पुण्य है ये किए हुए हैं जो सही समय पर आ गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने रिहब सेंटर 40 दिन के बाद वो 100% ऑक्सीजन अपने नाखून से लेने लगे, फिर आँख खोलना सीखे, मुँह इधर उधर घुमाना सीखे, फिर अभी भोजन पानी उनका मुँह से चिबा चिबा के वो खा रहे हैं, खिलाना पड़ता है, 2 टाइम फिजियो होता है, मसाज होता है। अभी भी आप चाहती रहती हैं देखने, मतलब? हम तो आज ही लौटे हैं हैदराबाद से। अच्छा, आज ही लौटे हैं? 4 दिन पूर्व मैं वहाँ पे गई। बातचीत वगैरह कर देते हैं या फिर अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं? थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, हम लोग कुछ बोलते हैं तो समझते हैं। तो उनको पता चला आपको टिकट मिल गया तो उनका कुछ प्रतिक्रिया? हम लोगों ने तो उनको बताया कि 5 साल तक तो आपका कुर्सी को सुरक्षित रख दें, जो भी आपका काम काज था बहुत संघर्ष के साथ 4 साल जो बिताए उनका ही आशीर्वाद रहा है, बहुत संघर्षशील। इस बीच में बहुत सारे आंधी आए, तूफान आए, जो सहन करते हुए मैं जनता के बीच में गई और उनके सारे कामों को धरातल पर मैंने लाया। तो जब इंद्रजीत जी नहीं थे और जब आप सारे काम को संभाल रही थी, तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या शीर्ष पर जो बाबूलाल जी हो गए या और भी अन्य कार्यकर्ता हो गए, बड़े बड़े जो भी पदाधिकारी हैं, उनका कैसा सहयोग मिला आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आलाकमान हैं, हमारे गार्जियन हैं, देश के हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, और प्रदेश में भी जितने हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय अमर बावरी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, संगठन महामंत्री जी कंबीर जी, सबका सहयोग, भरपूर सहयोग रहा, गार्जियन के रूप में सहयोग करते रहे हैं। और क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे साथ सहयोग रहा है, साथ साथ मिलकर हम लोग चले,
चार साल काम किए और क्षेत्र का जनता ही मेरे लिए, हर एक घर मेरे लिए एक परिवार बन चुका था। अच्छा। और इतना वो मतलब माननीय विधायक जी इस तरह से 3 साल जिस तरह से होता है ना कि वनवास की तरह, उसी तरह समझिए कि राम सीता का जैसे वनवास हुआ था उस तरह से हम लोग रहे, मतलब जुदा रहे, वो हैदराबाद में तो हम यहाँ उनका क्षेत्र को संभाले हैं। तो सबका भरपूर देवतुल जनता का भी सहयोग रहा है, सभी लोग साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो एक साधारण सी कार्यकर्ता को योग्य वो समझे और पूरे विश्वास के साथ टिकट देने का काम किए हैं। मैं भी पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि सिंदरी विधानसभा सीट भाजपा का है, कमल खिला है और आगे भी कमल खिलेगा, ये मैं पूरी विश्वास के साथ कहती हूँ। अच्छा, एक सवाल और है, अभी तक तो ये रही 5 साल की स्थिति कि पिछला 5 साल कैसा बीता। आपके पास चुनाव लड़ने का एक अनुभव है पहले से, आप पहले भी जिला परिषद सदस्य जीत चुकी है, तो वर्तमान में जनता के मुद्दे, वर्तमान में सिंदरी में प्रमुख मुद्दे आपको कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन सा मुद्दा प्रमुख है वहाँ पे? यहाँ क्षेत्र में जैसे कि पानी की समस्याएं हैं, यहाँ बेरोजगारी की भी समस्याएं, तो आज से 4 साल 5 साल पहले अरे जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपने घोषणा पत्र में दिए थे कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा जी। और रोजगार नहीं देने पे बेकारी भत्ता दी जाएगी, तो ये सब सारे मुद्दों पर वो फेल रहे हैं। और बालू की जैसे लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है, आपका लोहा चोर बालू चोर ये सब की लूट खसोट मची हुई है। बालू का समस्या तो हर जगह मुझे लगता है अमूमन देखने को मिल रहा है, तो बालू की समस्या से उस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ प्रभावित हो रहा है, अगर समस्या है तो क्या प्रभावित हो रहा है? देखिए, इसमें जैसे कोई मकान बना रहे हैं या किन्हीं को आवास मिल रहा है, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो प्रधानमंत्री आवास हर किसी को मिल रहा था, सब जन को लगभग हो गया था, गैस सिलेंडर की जो कनेक्शन मिली थी। लेकिन ये सरकार आने के बाद ना ही आवास बन रहा है और ना ही नया कोई कनेक्शन मिल रहा है। अभी दो चार महीने पहले अभवा आवास इन्होंने शुरू किया था, कुछ योजनाएं थी शायद मैया समान योजना, तो ये 2 महीने के लिए थी। लेकिन अभी बालू इतनी मतलब कि महंगाई है कि आवास मिलने पर भी वो अपने आवास को नहीं बना सकते हैं। और क्षेत्र में पानी की भी समस्याएं हैं, जो कि हमारे माननीय विधायक जी ने इस समस्या को विधानसभा में भी रखे थे कि दामोदर का पानी को खेतों तक पहुंचाने का वो काम करेंगे। अच्छा, सिंचाई को लेकर की योजना, सिंचाई को लेकर, और BCCL का भी जो बेकार पानी था उनको भी खेत तक पहुंचाने का उन्होंने रखा था, तब तक वो अस्वस्थ हो गए। और मैं तो एक सेवक बन के उनका सारा काम को कर रही हूँ, विधानसभा तक तो मेरी बातें नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन नेक्स्ट मैं आती हूँ तो ये सब समस्या का समाधान मैं विधानसभा तक ले जाऊँगी। अच्छा, ये तो मतलब कुल मिला के आप जो मुझे लग रहा है कि अगर उनके नहीं रहने के बाद भी आप क्षेत्र में मतलब घूम रही थी वहाँ पे, ऐसा हमें लग रहा है जी। हम भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी का 365 दिन कार्यक्रम रहता ही है, हर कार्यक्रम में चाहे संगठन का हो जो भी हो, संगठन के तरफ से जो निर्देश मिलता था सभी कार्यक्रम को हम लोगों ने किया है, जहाँ जिस तरह से दिया जाता था। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। हम भी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनती है और बनना ही है, क्योंकि पूरे झारखंड में सबको समझ में आ गया है कि इस सरकार में कोई भी सुखी नहीं है, ना ही बेटियां सुखी हैं, ना ही कोई युवा वर्ग सुखी हैं, बेरोजगार पूरे बढ़े हुए हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये थी तारा देवी जी, जिन्होंने अपनी बातें बताई, कम बोलती हैं लेकिन मुझे लगता है ठोस बातें इन्होंने रखी है और जनता के बीच में हमेशा से ये रही हैं, इनका कहना है। और इनको अगर मौका जनता देती है तो शायद
ये जनता की बातों को विधानसभा तक पहुंचाने में सक्षम भी हैं। आप देखते रहिए राष्ट्र समर्पण। आपको यह खबर कैसी लगी, हम आपके प्रतिक्रिया के इंतजार में रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।